All right, friends, now we will start a very important topic, and this is your overheads topic, right? Over the head fee इसको बोलते हैं बच्चे लोग, overhead topics है friends, chapter number 3 है अपने serial में, chapter number 3. Overhead का मतलब मैंने आपको basic concept, first मेरा जो lecture मैंने आपका लिया था उसमें मैं आपको बताया था कि total of indirect material, कभी भी आपको पूछे total of indirect material, indirect labor and your indirect expense. Indirect material, indirect labor, indirect expense तीनों से मिलके आपका बनता है overheads. Okay? And that overhead you divide in three. One is variable. One is fixed and one is semi variable. Variable means अगर आपकी units के proportion में increase और decrease होता है, अगर आपकी 10 units है, आपका cost है 10 rupees, it is 1 rupee per unit, 11 है, 11 है, 1 rupee per unit, 12 है, 12 है, increase और decrease in the same proportion. Increases और decreases in the same proportion, उसको हम क्या बोलेंगे, is a variable. एक बार revise करा देता हूँ. Fixed means up to 100% capacity. Up to 100% capacity तक आपका क्या रहेगा, normal, fixed रहेगा, right? उसको हम क्या बोलेंगे, fixed बोलेंगे. और इसके अंदर your some part is variable, some part is fixed. तो variable plus fixed को मिला के जो भी आपका रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज ए सेमी वेरिएबल ओवरहेड. सम पार्ट इज फिक्स्ड है आपका, सम पार्ट इज वेरिएबल है, उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज ए सेमी वेरिएबल. सेमी वेरिएबल ये आपका क्या रहेगा, फिक्स अप टू 100% कैपेसिटी. और वेरिएबल मींस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स. सही आंसर है फ्रेंड्स. ओके, तो अगर अपन बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टाइम पे कि सपोज अगर आपका ये फिक्स्ड ओवरहेड है, दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड, बराबर. फिक्स्ड ओवरहेड में जैसे सपोज यू टेक द एग्जांपल ऑफ, दिस इज योर डीकेसी का क्लासरूम का ये एग्जांपल आप ले लीजिए, डीकेसी क्लासरूम, बराबर. जब मैं अपनी कॉस्ट शीट बनाऊंगा, मुझे निकालना है कि भाई मेरा पर स्टूडेंट का कॉस्ट क्या आएगा, मुझे हर एक पर स्टूडेंट के ऊपर मुझे कॉस्ट क्या आएगा, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, दिस इज माय बजट एंड दिस इज माय एक्चुअल. ओके, इट मींस दिस इज नंबर्स, दिस इज रिकवरी रेट एंड एक्सपेंस, दिस इज नंबर्स एंड दिस इज माय एक्सपेंस. मैंने देखा कि भाई एक स्टूडेंट को मैं मटेरियल दूंगा तो मटेरियल का सपोज कॉस्ट आएगा 5000 रुपीज, बट व्हाट अबाउट द रेंट, मेरा जो रेंट का कॉस्ट है वो मैं कैसे निकालूंगा. आर यू गेटिंग ऑन नॉट फ्रेंड्स. मेरा जो रेंट का कॉस्ट है पर स्टूडेंट का, वो मुझे कैसे मैं निकालूंगा. मैंने सोचा कि भाई रेंट रहेगा सपोज से 20,000, और हम लोग ग्रुप ट्यूशन में लेते हैं और अपने को एक्सपेक्टेशन है कि 20 स्टूडेंट्स आएंगे, इट मीन्स एक जन से मैं क्या रिकवर करूंगा, 1000 रुपीज. मैंने आपको बताया था उस टाइम पर रिकवरी रेट इक्वल टू योर बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाई बजटेड वॉल्यूम. व्हाट इज योर बजटेड एक्सपेंस, 20,000. व्हाट इज योर बजटेड वॉल्यूम, 20, एंड दिस कम्स टू ₹1000. व्हाई दिस, ये अपने को कौन बताएगा, ये अपने को बताएगा एक्सपेंस मैनेजर, ये अपने को कौन बताएगा, इज ए वॉल्यूम मैनेजर. ये अपने को कौन बताएगा, एक्सपेंस मैनेजर, ये अपने को कौन बताएगा, वॉल्यूम मैनेजर. और हम लोग उससे क्या निकाल लेंगे, लिस्ट. जब एक्चुअल में एडमिशन हुआ, एक्चुअल में मेरा बैच कंप्लीट हुआ, मुझे पता चला एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ओनली 18. बहुत ध्यान से सुनिए आप, एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ओनली 18 एंड माय एक्चुअल एक्सपेंस इज 23,600. या सपोज ये मानिए आप कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे 20 के 20 मिल गए, दिस इज 20, याद है. फिर हम लोग क्या बनाते थे कि दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, इट मींस फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, याद आ रहा है आपको. स्टैंडर्ड में मैंने सिखाया था आपको, इट मींस टू बैंक, कितना आपने पे किया,
23600 बराबर बाय रिकवरी। अब एक जन अगर एडमिशन लेगा मेरे क्लास में तो मुझे उस स्टूडेंट पर कितना मिलेगा, 1000 वापस, क्योंकि जैसे सपोज मेरा वेरिएबल प्राइस एक बुक का कॉस्ट 5000 रुपए, फिर मेरा ये रेंट का कॉस्ट फिक्स्ड, रेंट का कॉस्ट 1000, मेरा टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 6000, आई वॉन्टेड टू चार्ज ए प्रॉफिट ऑफ 14000, मुझे सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा से 20000, सेलिंग प्राइस मुझे क्या मिलेगा इजे 20000, सही है सोनू। अब एक जन अगर एडमिशन लेता है, एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है, वो मुझे क्या देगा 20000, उसमें से मुझे रेंट में कितना रिकवर्ड हो रहा है 1000, रेंट की वजह से मुझे कितना रिकवर हो रहा 1000। यहाँ पे कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, यहाँ पे 20 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, इट मीन्स 20 × 1000 मुझे कितना वापस मिल गया से 20000, मेरा गया कितना पॉकेट से 23600, पॉकेट में कितना आया 20000, इसको बोलेंगे बाय अंडर रिकवरी, इट मीन्स 23600 माइनस 20000 इज 3600, 3600, सही है सोना। अब प्रॉब्लम ये होता है, इसको बोलते हैं अंडर रिकवरी। अब इस अंडर रिकवरी का व्हाट इज द ट्रीटमेंट इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ये जो अंडर रिकवर्ड हुआ है आपको 3600 आपको अंडर रिकवर हुआ है, इसका व्हाट इज द ट्रीटमेंट इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, इट मींस ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर रिकवरी, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर रिकवरी ऑफ ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, पहला हम देखेंगे कि वेदर दिस इज ए कंट्रोलेबल लॉस, whether this is a uncontrollable loss, or third if analysis is not possible, पहला आपका controllable loss, दूसरा आपका uncontrollable loss, और तीसरा आपका if the analysis is not possible। अब controllable loss means आपकी वजह से mistake हुआ है, आपको लगता है कि आपकी वजह से मिस्टेक हुआ है, इट मींस कंट्रोलेबल क्या रहेगा, योर ओन मिस्टेक की वजह से लॉस हुआ है, देन यू चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, आपको पूरा की पूरा वो कहां ट्रांसफर कर देना है, इट मींस ये डेबिट ये हुआ, क्रेडिट ये हुआ, ये 3600 का क्या करना है, तो पहले आप एनालाइज करिए, एनालाइज करके देखिए कि कंट्रोलेबल लॉस है, if it is a controllable loss you charge to costing P&L, if it is uncontrollable loss you find out the supplementary recovery rate, it means under recovery divided by actual production, under recovery divided by actual production, or if analysis is not possible then you carry forward for next period, iska matlab agar analysis possible nahi hai to aap isko kya kariye, it means next year mein to बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दिस कम्स टू 3600। अब क्वेश्चन ये आता है आपको कैसे पता चलेगा, तो वो क्वेश्चन में देखे रखेगा कि वेदर दिस इज ए कंट्रोलेबल लॉस, इट मीन चार्ज टू पीएनएल अकाउंट, अनकंट्रोलेबल लॉस फाइंड आउट द सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, व्हाट इज सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, अंडर रिकवरी डिवाइडेड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन, और इफ एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल देन यू कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट पीरियड, कैन यू कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट पीरियड, सही है सोनू। अब आप जरा देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन बुक दिया है, सॉल्यूशन बुक दिया है, पहले सॉल्यूशन बुक पे मैंने देखो आपको लिख के दिया है, फर्स्ट यू फाइंड आउट माई सॉल्यूशन बुक, एंड सॉल्यूशन बुक में आप जरा देखिए, दिस इज योर पेज नंबर 3.1 पे आप जरा देखिए, सॉल्यूशन बुक में आप जरा देखिए पेज नंबर 3.1, एनालिसिस ऑफ अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स एंड देयर ट्रीटमेंट इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एनालिसिस ऑफ अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स एंड देयर ट्रीटमेंट इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, रीजंस
इफ कंट्रोलेबल लॉस चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, इफ अनकंट्रोलेबल लॉस सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, और इफ एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल देन कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट पीरियड, देन कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट पीरियड. आर यू गेटिंग ऑन नॉट फ्रेंड्स? ये तीनों मैंने, अब आप एक एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ना तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी. बहुत डिटेल में मैं आपको ये करवा देता हूं. जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड पेज नंबर 16. दिस इज फ्रॉम योर क्वेश्चन बुक एंड क्वेश्चन नंबर वन एंड योर पेज नंबर 3.1 एंड दिस इज फ्रॉम योर सॉल्यूशन बुक. क्वेश्चन बुक एंड सॉल्यूशन बुक. सही आंसर फ्रेंड्स. आर यू रेडी? इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड वाज रिकवर्ड एट ए प्रीडिटरमाइन रेट ऑफ 25 रुपीज पर मैन डे. इसका मतलब आपका रिकवरी रेट है पर मैन डे. आपने कैसे निकाला होगा? इट मींस रिकवरी रेट इक्वल टू योर टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल मैन डेज. एंड द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस इनकर्ड एंड द मैन डेज एक्चुअली वर्कड इज टोटल एक्सपेंस 41,50,000 एंड टोटल मैन डेज एक्चुअली वर्क दिस 1,50,000. 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ दिस 30,000 यूनिट्स इज सोल्ड वर सोल्ड. ऑन एनालाइजिंग द रीजन इट वॉज फाउंड दैट 60% ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वर ड्यू टू द डिफेक्टिव प्लानिंग एंड द रेस्ट वर एट्रीब्यूटेबल टू द इंक्रीज इन ओवरहेड कॉस्ट. How would under-absorbed overhead be treated in cost accounts? Friends, मैंने आपको इतने प्यार से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कराया है, इतने प्यार से आपको एक एक कंसेप्ट समझाया है, आपको एक एक चीज अपने आप क्लियर होती चली जाएगी अगर आपने मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ही ध्यान से सुना है. अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ध्यान से सुना है आपको बहुत मजा आएगा. ओके, मैं पूरा आपको रिवाइज करवाता हूँ. देखो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, आप जरा देखिए. दिस इज गिवन, ये आपका बजट, ये आपका एक्चुअल. ठीक है, इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड वॉज रिकवर्ड एट ए प्रीडिटरमाइंड रेट ऑफ 25 रुपीज पर मैन डे. दिस इज मैन डेज, ये रिकवरी रेट, ये एक्सपेंस, ये मैन डेज और ये एक्सपेंस. याद आ रहा है फ्रेंड्स आपको? अच्छा, नाउ 25 रुपीज पर मैन डे अपने को दे रखा है, इसका मतलब अपने को इसकी जरूरत नहीं है. टोटल फैक्ट्री एक्सपेंसेस 41,50,000 एंड टोटल मैन डेज इज 1,50,000. सही है. दिस इज योर बजट, दिस इज योर एक्चुअल, दिस इज गिवन, एक्चुअल मैन डेज, रिकवरी रेट, एक्सपेंस 25 रुपीज, मैन डेज 1,50,000 एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस 41,50,000. सबसे पहले आप बनाइए अकाउंट, इट मींस फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट टू बैंक 41,50,000 एंड बाय रिकवरी. कितने मैन डेज हैं? 1,50,000, इट मींस 1,50,000 इंटू 25. 1,50,000 × 25 इज 37,50,000. आपने पे किया है 41,50 इज बाय अंडर रिकवरी इज 4 लैक्स. टोटल 41,50, टोटल 41,50.
यहां तक फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ कि नहीं, पहले आप ये बताइए, आपको आपको यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? आपको रिकवरी रेट दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड वाज रिकवर्ड, इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड वाज रिकवर्ड एट ए प्रीडिटरमाइंड रेट ऑफ 25 रुपीज पर मैन डे, 25 रुपीज पर मैन डे, द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड, द मैन डेज एक्चुअली वर्कड इज 41,50,000, 41,50,000 एंड एक्चुअल मैन डेज इज 1,50,000, आउट ऑफ द 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग 30,000 यूनिट्स आर सोल्ड, वो बाद में देखते हैं ऑन। हाँ तो इट मीन्स आपने पे कितना किया, आपने पे किया 41,50,000 टू बैंक, 41,50 बाई रिकवरी, आपको रिकवर कितना हुआ 37,50, इट मीन्स 150 इंटू 25, आपको अंडर रिकवरी कितना हो गया 4 लैक्स, आपने पे किया 41,50 और आपको रिकवर होकर मिल गया 41,50, दैट्स इट। सही है सुनो फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, अब आपको ये पता करना है, ये आपका है, ये इसमें आपको डीकेसी हेल्प करेगा, इसमें आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप खुद ही बोलोगे कि यार सर मजा आ रहा है करके ना, डीकेसी आर रजिस्टर्ड डीकेसी में आपको मजा आना चाहिए करके। सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर होंगे, ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये परफेक्टली क्लियर होंगे, इट मीन्स टोटल जो आपका अंडर रिकवर्ड हो रहा है, आपका टोटल जो लॉस हो रहा है, आपका जो टोटल लॉस हुआ है 4 लाख हुआ है। अब आप देखिए, दिस इज योर स्टेप नंबर 2, दिस इज योर स्टेप नंबर 2, आप आ जाइए 1 by 1, आपने कितना पे किया 41,50, आप पर एक दिन अगर काम हुआ तो आपकी पॉकेट में कितना वापस आ जाएगा, रिकवर्ड चार्ज्ड एलोकेटेड एब्जॉर्ब्ड क्या हो जाएगा 37,50, कैसे 1,50,000 इंटू 25 37,50, पे किया 41,50, रिकवर्ड हुआ, इट मींस अंडर रिकवर हो गया 4 लैक्स, इट मींस दिस योर एनालिसिस ऑफ अंडर रिकवरी, एनालिसिस ऑफ अंडर रिकवरी, व्हाट इज अंडर रिकवरी इज 1,50,000, अंडर रिकवरी इज 4 लैक्स, अंडर रिकवरी इज 4 लैक्स, क्या बोल रहे हैं? नाउ ऑन एनालाइजिंग द रीजन इट वॉज फाउंड दैट 60% ऑफ द अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव प्लानिंग, इसका मतलब दिस इज योर कंट्रोलेबल लॉस, कौन सा रीजन, दिस इज योर ड्यू टू डिफेक्टिव एंड प्लानिंग एंड दिस इज योर अनकंट्रोलेबल लॉस। क्या बोल रहे हैं? ऑन एनालाइजिंग द रीजन इट वॉज फाउंड दैट 60% ऑफ द अंडर एब्जॉर्ब्ड अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वर ड्यू टू द डिफेक्टिव प्लानिंग एंड द रेस्ट वर एट्रिब्यूटेबल टू इंक्रीज इन द ओवरहेड कॉस्ट, दिस इज ओवरहेड्स कॉस्ट, इट मींस अगर आपका 4 लाख रुपीज का आपका टोटल लॉस हुआ है, उसमें से बोल रहा है कि भाई कंट्रोलेबल क्या है अनकंट्रोलेबल क्या है, ये आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। क्या बोल रहा है? ऑन एनालाइजिंग द रीजन इट वॉज फाउंड 60% ऑफ द अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड वॉज ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, आपकी प्लानिंग में प्रॉब्लम है उसकी वजह से हुआ है, और बाकी का ओवरहेड कॉस्ट इंक्रीज, तो ओवरहेड कॉस्ट इंक्रीज हो गया दैट इज नॉट इन योर हैंड, वो तो आपको कस्टमर से लेना पड़ेगा, वो कैसे लेंगे, इसके लिए यू फाइंड आउट द सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, इट मींस ओवर एंड अबव दिस रिकवरी रेट, आपका जो रिकवरी रेट था इसके ऊपर भी आपको रिकवरी रेट ये कस्टमर से आपको लेना पड़ेगा, और इसका जो पार्ट है वो कहां चला जाएगा, आपकी वजह से जो लॉस हुआ है, चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, इट मींस 60% ऑफ 4 लैक्स, इट मींस 2,40,000, ये आपका कहां चला जाएगा, चार्ज्ड टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। और इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका आपको निकालना पड़ेगा सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री रिकवरी। ये क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? क्या बोल रहा है, ऑन एनालाइजिंग द रीजन, ऑन एनालाइजिंग द रीजन इट वॉज फाउंड दैट 60% ऑफ द अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड वर ड्यू टू द डिफेक्टिव प्लानिंग एंड द रेस्ट वर एट्रीब्यूटेबल टू इंक्रीज इन द ओवरहेड कॉस्ट, इट मींस 60% ऑफ 4 लाख, 2,40,000 चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट एंड बाकी का यू फाइंड आउट द सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट। नाउ व्हाट डू मीन बाय सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, इट मींस योर सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट इक्वल टू योर अंडर रिकवरी, क्योंकि इसके अंदर अंडर रिकवरी है, नहीं तो ओवर रिकवरी रहेगा तो ओवर रिकवरी लिख देंगे, अंडर रिकवरी डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, अंडर रिकवरी डिवाइडेड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन। अब एक्चुअल प्रोडक्शन दो तरह का हो सकता है, फिनिश गुड्स भी होगा, डब्ल्यू आई पी भी होगा, दोनों अपन लेंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन, अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी कितना है फ्रेंड्स, इट मीन्स ये आपका हो जाएगा सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट 40% ऑफ 4 लैक्स एंड दिस कम्स टू 1,60,000। 240 आपका कहां चला जाएगा, स्ट्रेट पीएनएल अकाउंट में, और बाकी का आपका कहां चला जाएगा फ्रेंड, सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट के अंदर। नाउ व्हाट इज सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, 1,60,000 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन। अब आप जरा देख लीजिए, आउट ऑफ 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 30,000 इज सोल्ड, 40,000 यूनिट्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, इट मींस योर 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40 इज 4 रुपीज पर यूनिट, आउट ऑफ दिस योर सोल्ड यूनिट्स, सोल्ड यूनिट्स एंड दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक, सोल्ड यूनिट्स इट मींस 30,000 यूनिट्स इंटू 4 इज 1,20,000 एंड 10,000 इंटू 4 इज 40,000। अब जो यूनिट सोल्ड हो चुकी है, इसका मतलब हम लोग को 1,60,000 का लॉस हुआ, दैट इज नॉट आवर मिस्टेक, दैट इज नॉट आवर ओन मिस्टेक, 1,60,000 का टोटल लॉस हुआ है वो हमारी मिस्टेक की वजह से नहीं हुआ है, डिवाइडेड बाई 40,000 यूनिट्स, आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगा, 4 रुपीज, आपका पर यूनिट कॉस्ट कैसे आ जाएगा, 4 रुपीज, आउट ऑफ दिस 30,000 यूनिट्स आपका क्या हो गया, सोल्ड हो गया, तो सोल्ड हो गया तो कस्टमर कैसे देगा, कस्टमर को थोड़ी हम ढूंढते बैठेंगे कि भाई आपने ये पार्ले जी का पैकेट खाया था और अभी अंडर रिकवरी है तो आप पैसा दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब अगेन चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस यू इंक्रीज द फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट, दैट यू इंक्रीज द फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट, सही है सुनो, दैट यू इंक्रीज द फिनिश गुड्स कॉस्ट। व्हाट इज सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट मींस अंडर रिकवरी डिवाइडेड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन, लेकिन कौन सा, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है, अनकंट्रोलेबल लॉस है, अब अगर कॉस्ट बढ़ जाता है तो वी कैनॉट डू एनीथिंग, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन 1,60,000 डिवाइडेड बाई 40,000 4, जो सोल्ड यूनिट्स हैं 30,000 इंटू 4 120 चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, 10,000 इंटू 4 40,000 एंड दैट का यू इंक्रीज इन द फिनिश्ड गुड्स, इंक्रीज इन द फिनिश्ड गुड्स, इंक्रीज इन द
फिनिश गुड्स, दैट्स इट। अब आगे क्या पूछ रहा है, हाउ वुड अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड ट्रीटेड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, इट मींस टू पास द एंट्री, इट मींस ट्रीटमेंट इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ट्रीटमेंट इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, इट मींस कैसे करेंगे फ्रेंड्स, योर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, आपका 240,000 रुपीज हुआ था, 60% ऑफ 4 लाख कंट्रोलेबल लॉस, देन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, दिस इज योर ड्यू टू सेल्स, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट 1,20,000, 1,20,000, देन फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट इज 40,000 टू फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट 40,000 टू फिक्स्ड ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, एंड ये आपका आ जाएगा 240,120 + 40 = 4,00,000, एंड इसी के साथ ये एंट्री अगर आप पास करोगे तो आपका ये जो अकाउंट है वो टैली, ये जो आपका अकाउंट है वो टैली हो जाएगा, 4 लाख का ही आपका क्रेडिट है ना, इट मीन्स ये एंट्री आप पास कर दीजिए, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट 240, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट 120, ड्यू टू सेल्स है, फिनिश गुड्स डेबिट 40,000 एंड टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट 4 लाख, सही आंसर ऑप्शन, परफेक्टली क्लियर होना, एक एक पॉइंट अगर आप देखेंगे लॉजिकली जाएंगे फ्रेंड्स आपको बहुत मजा आएगा, अगर आप लॉजिकली पूरा समझेंगे आपको बहुत मजा आएगा, ओके। ये एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन दो तरह का हो सकता है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन में दो तरह का है, फिनिश गुड्स एंड WIP, दोनों दो तरह का ही प्रोडक्शन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम डिवाइड कर देंगे करके ना, और एक आप देखिए तो आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स, यू जस्ट सी योर क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 16, एंड दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन बुक, एंड क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 3.2, एंड दिस इज फ्रॉम सॉल्यूशन बुक, सही आंसर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 16 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 3.2 फ्रॉम सॉल्यूशन बुक, सही आंसर देखेंगे फ्रेंड्स, ओके। अब आप जरा देखिए, द टोटल ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ द फैक्ट्री इज 446,380, कितने एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 446,380, द टोटल ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ ए फैक्ट्री आर 446,380, टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ फैक्ट्री, ओवरहेड वाज रिकवर्ड इन प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 1 रुपीज 25 पैसे पर आवर, व्हाट योर रिकवरी रेट इज 1 रुपीज 25 पैसे पर आवर, एंड योर एक्चुअल एक्सपेंसिस 446,380. Overhead was recovered in production at the rate of 1.25 per hour. The actual hours worked is 293,104. This is your actual hours worked. How would you proceed to close the books of accounts, assuming that besides 7,800 units produced, of which 7,000 is sold, there were 200 equivalent units in WIP, बाद में देखते हैं. On investigation, it was found that 50% of the unabsorbed overhead was on account of increase in the cost of indirect material and indirect labor, and the remaining
50% is due to the factory inefficiency, also give the profit implication of the method suggested. On investigation, it was found 50% of the unabsorbed overhead was on account of increase in the cost of indirect material, indirect labor, and the remaining 50% was due to the factory inefficiency. Say yes or no, friends. Perfectly clear or not? Alright friends, so the total overhead expense, right? The total overhead expense of a factory is 446,380 आपने को दे रखा है. Take into account the normal working of the factory, overhead was recovered in production at the rate of 1 rupees 25 paise per hour. Recovery rate 1.25 है. The actual hours worked है 293,104. How would you proceed to close the books of accounts assuming that 7800 units were produced, 7000 sold? 7800 तो आपकी finished units बनी है, 200 आपकी WIP है, it means total 8000, 8 में से 7 आपकी क्या हो गई है, sold हो गई है. There were 200 equivalent units in WIP. On investigation, it was found that 50% of the unabsorbed overhead was on account of increase in the cost of indirect material and indirect labor, and the remaining 50% was due to the factory inefficiency. Also give the profit implication of the methods suggested. Say yes or no. Spell it one by one. This is your new one. Budget actual hours recovery rate expense hours expense. The total factory overhead is 446,380. 446,380. Take into account the normal working of the factory, overhead was recovered in production at the rate of 1 rupees 25 paise per hour. The actual hours is 293,104. It means this is your factory overhead account to bank 446,380 by recovery 293,104 into 1.25 means 293,104 into 1.25 is 366,380 by under recovery 446,380 is 80,000. Means 446,380. Say yes. Ye aapko clear hua ki nahi friends? The total overhead expense of the factory is 446,380. Taking into account the normal working of factory, overhead was recovered production at the rate of 1 rupees 25 paise per hour. The actual hours worked is 293,104. How would you proceed to close the books of accounts assuming that besides 7800 units proceeds, 7000 was sold, there were 200 equivalent units in WIP. अब आपने pay किया 446,380, आपको recover हुआ 366,380,
293104 × 1.25, अंडर रिकवरी आपका आएगा 80,000। सही है, सुनो, देयर वर 200 इक्विवेलेंट यूनिट्स इन WIP ऑन इन्वेस्टिगेशन। अब देखो टोटल आपको लॉस कितना हुआ, 80,000। अब आप आ जाइए स्टेप नंबर टू, दिस इज योर एनालिसिस ऑफ अंडर रिकवरी। व्हाट इज अंडर रिकवरी ऑफ रुपीस 80,000। एक एक पॉइंट को आप जरा समझिए अपने हिसाब से क्या बोल रहे हैं। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट 50% ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वॉज अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड द रिमेनिंग 50% ड्यू टू द फैक्ट्री इनएफिशिएंसी। इसका मतलब अगर आपका फैक्ट्री इनएफिशिएंसी है, यू कैन नॉट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर। इट मींस दिस इज कंट्रोलेबल लॉस ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी। ओके, दिस इज अनकंट्रोलेबल लॉस। क्या बोल रहे हैं, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड 50% ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वॉज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर। मैंने आपको बताया था ना ओवरहेड का मीनिंग, ओवरहेड मीन्स टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए। ड्यू टू द फैक्ट्री इनएफिशिएंसी, क्या आपकी वजह से मिस्टेक से हुआ है? सही है सोनो फ्रेंड्स, आपकी मिस्टेक से हुआ है। यस, इट मींस 50% ऑफ 80,000 40,000, और ये 40,000 आपका कहां चला जाएगा, चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। रिमेनिंग 50% ऑफ 80,000 क्या हुआ आपका, 40,000। बोलो 40 के लिए क्या निकालेंगे, सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट। एक्स्ट्रा पैसा हम कस्टमर से रिकवर करेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट द लॉस बिकॉज ऑफ मी, ये मेरी वजह से लॉस नहीं हुआ है। इट मींस आपका जो टोटल लॉस हुआ है 80,000 ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी, कंट्रोलेबल लॉस, अनकंट्रोलेबल लॉस। ओके, 50% ऑफ 80,000 40,000 चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, 50% ऑफ 80,000 40,000 सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट। सही है, सुनो, परफेक्टली क्लियर हो नॉट? इट मींस गो फर्स्ट यू फाइंड आउट द सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट। इट मींस योर अंडर रिकवरी डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। व्हाट इज योर अंडर रिकवरी? अंडर रिकवरी इज 40,000 एंड डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन इज 7800 प्लस 200 इज 5 rupees पर यूनिट। आउट ऑफ दिस 7800 में फ्रेंड्स योर यूनिट्स सोल्ड 7,000, क्लोजिंग फिनिश गुड्स 800 एंड WIP 200। देखो जरा, हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज्यूमिंग दैट बिसाइड 7800 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ विच 7,000 वर सोल्ड, 7,000 आपका सोल्ड हो गया, 200 इक्विवेलेंट आपका WIP में, और टोटल आपने बनाया है कितना, 7800 प्लस
इट मीन्स टोटल 8000 यूनिट्स पे, टोटल 8000 यूनिट्स पे आपको कितने का लॉस है? इट मीन्स 40,000 डिवाइडेड बाई 8000 आपका कितने का लॉस है? 5 रुपीज पर यूनिट इंटू 5, 35,000 कहाँ चला जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंटू 5, 4000 क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन कॉस्ट, मतलब आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा गुड्स का। ये WIP इंटू 5, 1000 इट मीन्स इंक्रीज इन कॉस्ट, सही है सौरभ। सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट अंडर रिकवरी डिवाइडेड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन। अंडर रिकवरी कौन सा? जो लॉस हमारे हाथ में नहीं है, जो लॉस हमारे हाथ में नहीं है वो लॉस। इट मीन्स 40,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इज 5, यूनिट सोल्ड 7,000 इंटू 5, 35,000 चार्ज टू कॉस्टिंग पी एन एल, क्लोजिंग 4,000 इंक्रीज इन कॉस्ट, 200 इंटू 5, 1,000 इंक्रीज इन कॉस्ट, सही है सोनू। अब क्या बोल रहा है? हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, और उसका क्या इम्प्लीकेशन आएगा आपके प्रॉफिट के ऊपर, आपका प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा? इट मीन्स दिस इज योर ट्रीटमेंट इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, इट मीन्स कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना है आपका? 40,000 रुपीज। देन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 35,000, देन फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट 4,000, WIP डेबिट 1,000, टू फैक्ट्री ओवरहेड 40 प्लस 35 प्लस 4 प्लस 1 इज 80,000। इट मीन्स कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट 40,000, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट 35, फिनिश गुड्स डेबिट 4, WIP डेबिट 1 एंड टू फैक्ट्री ओवरहेड 80,000, सही है सुनो। परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए। ऑलराइट फ्रेंड्स, सही है सुनो। और एक आप जरा देखिए ना, और आपको स्टेप्स आपको सेम रखने हैं, फॉर्मेट आपको सेम रखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आप जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 16 ऑन क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन 3 पेज नंबर 3.3 ऑन सॉल्यूशन बुक, सही है सुनो फ्रेंड्स। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ए फैक्ट्री। The following information is obtained from the costing records of the factory. Actual overhead incurred is 375. Actual hours worked 250,000. Budgeted record rate of recovery of overhead is 1 rupee per hour. Unit produced 9800. Unit sold 9000. Units in WIP 400 but 50% complete. On verification, it was found that
25% ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ड्यू टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर एंड 75% वाज ड्यू टू द इनएफिशिएंसी इन द फैक्ट्री. सो द इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड ऑन स्टॉक वैल्यूज. वापस से सेम फ्रेंड्स, पहला अपना वही, दिस इज योर गिवन, दिस इज योर बजट एंड एक्चुअल यूनिट्स रिकवरी रेट एक्सपेंस यूनिट्स एक्सपेंस. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ए फैक्ट्री. एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड ₹3,75,000. ओके, एक्चुअल आवर्स वर्कड, इट मींस नॉट ऑन यूनिट्स, दिस इज ऑन बेस्ड ऑन आवर्स. इट मींस आवर्स 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 2,50,000, ₹1 पर आवर एंड दिस इज नील. फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट टू बैंक 375 by recovery 2,50,000. सही आंसर. इट मींस कितना पे किया था, 375, एक्चुअल ओवरहेड 375, 2,50,000, ₹1 पर आवर 2,50,000. इट मींस बाय अंडर रिकवरी, इट मींस 375 लेस 250 इज 125. व्हाट इज अंडर रिकवरी इज 125. सही है सुनो फ्रेंड्स, व्हाट इज अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी इज 125. यहां तक तो आपका क्लियर है. अब आप देख लीजिए क्या है स्टेप नंबर टू. स्टेप नंबर टू, व्हाट इज द अंडर रिकवरी, दिस इज योर अंडर रिकवरी. व्हाट इज अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी इज 1,25,000. अंडर रिकवरी इज 1,25,000. ऑन वेरिफिकेशन इट वॉज फाउंड दैट 25% of the under absorbed overhead due to the increase in the cost of indirect material and indirect labor and 75% due to the inefficiency of the factory. It means due to inefficiency of factory and due to increase in cost. On verification, it was found that 25% of the unabsorbed overhead due to the increase in the cost of indirect material and indirect, 75% due to the inefficiency. It means 75% of 1,25,000. It means 1,25,000 ka 75% is 93,750 charged to costing P&L account. Kyun? Due to the, this is your controllable loss. Controllable loss, uncontrollable loss, this is your
अनकंट्रोलेबल लॉस। ओके, इसका क्या निकालेंगे अपन, सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट। ओके, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ऑन वेरिफिकेशन इट वॉज फाउंड दैट 25% ऑफ द अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड ड्यू टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट है। इसका मतलब 25% ऑफ 125,000 का 25% इज 31,250। ओके, इंक्रीज इन द इनडायरेक्ट मटेरियल एंड 75% ड्यू टू इनएफिशिएंसी इन द फैक्ट्री, ये आपका 93,750 आपका ये आ जाएगा, 93,750। ओके, सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, नाउ योर सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट इक्वल टू अंडर रिकवरी डिवाइडेड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन। व्हाट इज योर अंडर रिकवरी, योर अंडर रिकवरी इज, व्हाट इज योर अंडर रिकवरी इज 31,250, और उसके सामने व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 9,800 इज ए फिनिश गुड्स, 9,800 एंड 400 का इज 50% इज 200, इट मीन्स 10,000। सो 31,250 डिवाइडेड बाय 10,000 इज 3.125। आउट ऑफ 9,800 दिस इज योर चार्ज टू गुड्स सोल्ड देन क्लोजिंग फिनिश गुड्स एंड देन, फॉर्मेट सेम है, लॉजिक सेम है, आपको पूरा सिस्टम आना चाहिए समझ में। इट मीन्स 9,000 इंटू 3.125, 9,000 इंटू 3.125 इज 28,125, देन क्लोजिंग स्टॉक है आपका इज 800 इंटू 3.125, 800 इंटू 3.125 इज 2,500 एंड 200 इंटू 3.125, 400 है, 50% कंप्लीट है, 200 इंटू 3.125 विल बी 620। सही है, सुना परफेक्टली क्लियर। सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट इक्वल टू अंडर रिकवरी डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन 31,250, इट मीन्स ये आपका गुड्स सोल्ड 28,125, 800, 200 इंटू दिस, सो द इफेक्ट, ओके, सो द इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड द स्टॉक वैल्यूज। ओके, योर कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज बाई 3.125, आंसर आपका आंसर वन आ जाएगा, आंसर नंबर वन आपका क्या आ जाएगा कि भाई योर कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज बाई 3.125 और ये आपका स्टॉक वैल्यूज बढ़ जाएगा, ये आपका स्टॉक वैल्यू और ये तो पीएनएल अकाउंट में चला ही गया। इट मीन्स डायरेक्टली आप दिखा लीजिए, कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज बाय
3.125 and finished goods 2500 and finished goods 2500 WIP 625 and stock will increase. क्या बोल रहे हैं? Cost per unit will increase by 3.125 and stock will increase finished goods 2500 WIP 625. Say yes or no. And बाकी का जो ये है 28125 ये आपका चला जाएगा, right? और अगर आपको एंट्रीज पास करना है ओके तो यू कैन पास द एंट्री ट्रीटमेंट इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स करना है ट्रीटमेंट इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स ओके costing P&L account debit costing P&L account debit 93,750 finished goods debit 28 again costing P&L account आपका debit हो जाएगा ना friends ये वाला 28125 costing P&L account debit 28125 finished goods debit 2500 WIP debit 625 to factory overhead 93750 28125 2500 625 1,28,000 ये आपका ट्रीटमेंट इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स हो जाएगा। एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं आप मुझे ये बताइए कि पहले आपको ये देखना है व्हाट इज द रिकवरी रेट, क्या आपने पे किया है, कितना आपको रिकवर हुआ, फिर जो अंडर रिकवर है ओवर रिकवर है, अभी तक तो अंडर रिकवरी के ही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं अंडर रिकवरी, उसका फिर आप रीजन रूडी, अगर कंट्रोलेबल लॉस है चार्ज टू पीएनएल अकाउंट, अनकंट्रोलेबल है तो सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, व्हाट इज सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी वाइज एक्चुअल प्रोडक्शन, जो बिक गए यूनिट चार्ज टू पीएनएल अकाउंट, जो नहीं बिके इंक्रीज इन द कॉस्ट खत्म ओके तो इतना करिए फिर अपन कंटिन्यू करते ओके ठीक है ऑलराइट।